subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. मंदिर से निकल के अभी हम लोग ना दीर्घा चौपाटी थोड़ा जाके आएंगे। बहुत दिनों के बाद आए हैं तो थोड़ा चौपाटी भी देख लेते हैं। यहाँ पर गंगूबाई बैठी हुई है अपने ठाट में और ये लगी ट्रैफिक। शाम का टाइम है, ट्रैफिक तो लगना ही है। गिरगांव चौपाटी बाबुलनाथ टेम्पल से बहुत नज़दीक है। बाबुलनाथ वाला ब्लॉग जिन लोगों ने मिस किया, कल ही मैंने अपलोड किया है, देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है। बाबुलनाथ से निकल के हम लोग गिरगांव चौपाटी आए हैं। शाम के 6:15 बज रहा है, धूप कितना है चौपाटी में। शाम के 6:15 बजे का टाइम है जब हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे चटाई वटाई लगा दिए हैं विजिटर्स के बैठने के लिए और ये दोनों बच्चे रेती के घर बना रहे हैं और चाय वाला चाय बेच रहे हैं वहाँ पर, चाय कॉफ़ी वाला। सूरज को देखिए, सन एकदम हैलोजन लाइट की तरह चमक रहा है। और वो दूर सारे फूड कॉर्नर्स है, चटाई पे बैठ के कुछ ऑर्डर देके वहाँ से लेके खा सकते हैं फूड कॉर्नर से। और मैं जा रही थोड़ा सा समुंदर के तरफ। कितना सुंदर लग रहा है ना, सुनहरी रेती, नीला आसमान, नीला समंदर, चमकता हुआ सूरज, कितना प्यारा नज़ारा है। मेरी मम्मी जा रही है पानी में, समंदर बहुत ही प्यारा। और सबसे बड़ी बात है, शाम का टाइम है ना तो शाम को आता है टाइड, तो टाइड अभी शुरुआत है, थोड़ा 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 पानी आ रहा है इस तरफ। अरे जूता उतार दिया। अरे वाह मेरी माँ। कोविड कोविड करके इंसान की ज़िंदगी से 2 साल ऐसे निकल गए और 2021 पूरा 1 साल मेरी मम्मी अपने एरिया से बाहर ही नहीं निकली थी। सिर्फ भाजी तरकारी लेना और एरिया के अंदर ही घूमना फिरना, रह रहे के बोर हो गए थे। 2020 में हम लोगों ने एक ट्रिप किया था महाबलेश्वर पंचगनी का, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद पूरा 2021 तो कोविड कोविड करके ही निकल गया। आज थोड़ा सा खुल के जीने का, खुल के खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। हर हाल में खुश रहना और खुश रखना, इन दोनों चीज़ों पर अगर इंसान ध्यान दे तो इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज मेरी माँ को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं क्यों बाकी रहूं, मैं भी कमर कस लूं और पानी में उतरूं। हम दोनों पानी के अंदर, ठंडा ठंडा पानी, बड़ा मजा आ रहा है। मुझे इतना अजीब लग रहा है, मैं साड़ी में हूँ क्योंकि मुझे मंदिर आना था और साड़ी में बीच पर आना बहुत ज्यादा वियर्ड है, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल है जो कोई करता नहीं है, मैंने किया है। बीच पर आने के लिए बीच वेयर्स होते हैं, साड़ी में तो ऐसा लग रहा है मैं 60s-70s की हीरोइन हूँ, उस ज़माने का स्टाइल है ये, बट चलता है। जो स्टाइल कोई नहीं करता है वो करने में मज़ा है। मेरे पैर देखिए रेती 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 भर गई है, अभी ये पूरी जूते में भरने वाली है और फिर मेरे घर तक पहुँचने वाली है। वैसे तो मुंबई में बीचेस बहुत सारे हैं लेकिन 2 फेमस बीचेस है, एक है गिरगांव चौपाटी और दूसरा है जुहू चौपाटी। फालूदा खाना है, फालूदा बीच पे आके ना फालूदा खाने का अलग ही मज़ा है। बैठो उधर। हमारा केसर पिस्ता फालूदा बन के तैयार हो रहा है और एक ही ग्लास ऑर्डर किया क्योंकि 2 ऑर्डर करती तो ज़्यादा हो जाता, हम ख़त्म नहीं कर पाते। हाय हाय।
हो गया बाबुलनाथ मंदिर दर्शन, गिरगांव चौपाटी दर्शन, अब हम करेंगे अपने घर का दर्शन सीधा। पानी लगा के ठंडा ठंडा दोनों। और अभी हाँ, अभी आप लोगों को एक झलक मुंबई शहर घुमा देती हूँ। ये मरीन लाइंस एरिया है, मरीन लाइंस। अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगी मरीन ड्राइव, जहाँ पे लोग बैठ के चिल आउट करते हैं। थर्सडे का दिन है, इसके लिए हम दोनों माँ बेटी ने येलो कलर पहन लिया है। ये है मरीन ड्राइव, रोड के ऑपोजिट में देखिए, वहाँ पर सी है, समंदर है, अरबियन सी, और वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं रॉक पर बैठ के समंदर का नज़ारा देख रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर आके पहले खूब बैठते थे, और यहाँ पर ना रात को बैठना बहुत अच्छा लगता है, 9 बजे के बाद, 10 बजे, 10:30 बजे, ये टाइम पर। घर आ गए और अभी लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, बहुत टाइम लग गया हम लोग आते हुए, टाइम देखो। लेकिन हम लोग आधा घंटा विनू के घर में भी बैठे हुए थे, विदिता के घर में बैठे हुए थे, मम्मी बहुत दिनों से गई नहीं ना, तो थोड़ा उनके घर में गए और आधा घंटा उधर टाइम मस्त स्पेंड करके अभी घर आई हूँ। 8:30 बजे पहुँच गए थे हम लोग। उपमा बन रहा है, उपमा डिनर में आज उपमा बन रहा है और हम उपमा खाएंगे। बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। लिपस्टिक निकाला है लेकिन निकली नहीं है। हमारा डिनर कंप्लीट हुआ और साथ में ये ब्लॉग भी कंप्लीट हुआ। ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें। विल सी यू टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लव यू ऑल। बाय बाय।